नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग गुरु जी यूट्यूब चैनल में आइए आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आइए आज बात करते हैं, कोई गाय भैंस बार बार डोका करती है और समय पर क्या भी नहीं हो पाती तो निश्चित यह घाटे का सौदा होता है। तो आज इस वीडियो में जो आप ये देख रहे हैं, ये बड़ा ही साधारण नुस्खा जिसको हम अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि यह जो अभी कूट कर जिसके बीज निकाले गए हैं, ये है, इसको छुआरा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डेट कहेंगे। हमें लेना क्या है, 10 छुआरे लेने हैं और उनको कूट कर उनके बीज निकाल लेने हैं, एक एक को तोड़कर उनके बीज निकाल लेने हैं। ये जो अभी निकाले गए, जो निकाले जा रहे हैं, उसके बाद लगभग 200 ग्राम दूध में इनको डालकर पका देना है। ये आप साथ साथ वीडियो में देख भी रहे होंगे। और जब ये पक जाए, 200 ग्राम दूध में ये छुआरे पक जाएंगे, फिर इनको उतार कर ठंडा कर लेना है और ठंडा करके अपनी गाय भैंस को खिला देना है। तो दोस्तों ये कोई दादी नानी का नुस्खा नहीं है, यह नुस्खा गाय भैंस के क्या भी न होने के मुख्य दो ही कारण होते हैं, या तो बच्चेदानी का इन्फेक्शन या न्यूट्रिशन की कमी। संपूर्ण आहार यदि हम नहीं दे पाते, बैलेंस्ड डाइट यदि हमने नहीं दी, तो दूध देने वाले पशु में निश्चित ही पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। तो यह नुस्खा उसको पूरा करने का काम करता है। तो यह नुस्खा जो छुआरे 10 छुआरे एक दिन की खुराक है, 200 ग्राम दूध, और यह हमें खिलाना कितने दिन है, लगभग 15 दिन का इसका समय है। लगातार हर रोज खिलाना है, 15 दिन पूरे होंगे नहीं, यह 7वें-8वें दिन से अपना रिजल्ट देना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार यदि हम किसी को 15 दिन भी हो जाते तो कोई नुकसान नहीं है, बल्कि पशु दूध भी बढ़ाएगा और गाभिन तो निश्चित ही होगा। और कई बार जब पोषक तत्वों की शरीर में जो पूर्ति हो जाती है तो कोई मामूली सा इन्फेक्शन है तो वह अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये आपने बनाने की विधि भी आप साथ साथ देख रहे हैं, 10 छुआरे 200 ग्राम दूध और उसमें पकाकर ये भैंस को खिला देना, बड़े चाव से भैंस इसको खाती है। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको साइड में जो सब्सक्राइब बटन है उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे छोटे छोटे देसी नुस्खे, छोटी छोटी बातें पशुपालकों के हित के लिए लेकर आते रहते हैं। तो ये आपने अभी पूरा प्रोसेस देख लिया, अभी आप देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर इत्यादि आप जहां भी शेयर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंचाएं, क्योंकि आज एक कॉमन प्रॉब्लम है जो पशुपालकों के सामने आ रही है। तो दोस्तों अपनी बात को विराम देता हूं, धन्यवाद, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।